हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यामी टामी विद पूजा में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एकदम मजेदार रेसिपी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट ऑफ मैगी नूडल्स। मैगी नूडल्स के मैंने यहाँ पर 2 पैकेट ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बनाने वाले हैं एकदम मजेदार बेल मैगी की। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए रहेगी 2 पैकेट ऑफ मैगी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और बस इस तरीके से हमें बेलन चाहिए रहेगा। और बस बेलन को लेकर के हमें ये जो मैगी है उसकी बहुत अच्छे से करनी है कुटाई। तो चलिए वो कर लेते हैं फटाक से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। तो हाथ से भी हम लोगों ने इस मैगी को अंदर से कर लिया एकदम बोर बोर, एकदम छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि भेल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी चाहिए पीसेस ऑफ मैगी। तो बस यहां पर ले लूंगी मैं बाउल और इसको कर लेंगे हम लोग कट फटाक से। इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसके अंदर जो यहाँ पर मैगी वाला पैकेट मिलेगा हमको, इसको हम लोग साइड कर देंगे और मैगी को निकाल देंगे। मैगी के पैकेट को अलग कर देंगे, इसमें से भी रैपर्स को साइड कर देंगे। और ये जो मसाला है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग साइड में रख देंगे। और बस यहाँ पर जो हमारी मैगी है वो आप देख रहे हैं एकदम छोटे छोटे पीसेस में हो गई है। अगर नहीं हुई हो, जैसे बड़ी है, तो हाथों की मदद से भी आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना। तो चलिए फटाक से बनाना स्टार्ट करते हैं मैगी बेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक पैन और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन। और बस यहाँ पर जो हमारी मैगी है फ्रेंड्स, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम लोग गैस का फ्लेम कर देंगे एकदम लो और इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, नहीं तो जो हमारी मैगी बेल है वो जल जाएगी। मतलब मैगी जो है वो जल जाएगी तो बेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो हमें इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है। यहाँ पर जो मैगी है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होना चालू हो गया है, आपको दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से हम लोग इसको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से सॉटे करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तब तक के लिए फ्रेंड्स जलानी नहीं है, बस इसको क्रिस्पी करनी है और ज्यादा। आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो बस थोड़ी देर वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी मैगी है उसका कलर एकदम अच्छे से चेंज हो गया है, आपको दिख रहा है। तो बस इसी स्टेज पर हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो मैगी है इसको हम लोग बाउल में निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो मैगी है वो अच्छे से सॉटे हो गई है, आपको मैं आवाज सुना देती हूँ। आवाज तो आपको आ ही रही है कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी हो गई है। चलिए तो बेल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं फटाक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में ले लिए हैं अनियन, यहाँ पर प्याज ले लिया मैंने एक छोटा सा और उसको कर लिया चॉप। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है, थोड़ा सा धनिया और नींबू का रस। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से बनाते हैं हमारी चटपटी बेल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो मैगी सॉटे करके रखी हुई है उसको ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग फटाक से यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर, चॉप किए हुए अनियंस, यहाँ पर हरी मिर्ची, ग्रीन चिली और थोड़े से धनिया पत्ता। बस इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कर देंगे मिक्स साथ में। इन सारी चीजों को हम लोग फटाक से करेंगे मिक्स। वाओ, दिखने में कितनी शानदार लग रही है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसालास। तो चलिए फटाक से मसाला ऐड कर देते कुछ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैगी मसाला भी ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा।
चाट मसाला। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैगी मसाला, दोनों पैकेट मैगी मसाला के मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और इन सारी चीजों को अब हम लोग कर देंगे अच्छे से मिक्स। वाओ, इसकी जो खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आ रही है। इसकी खुशबू एकदम लाजवाब। आप देख रहे हैं मैगी तो बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 3 से 4 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है ये भेल। तो बस अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन जूस। तो यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी। और बस अब हम लोग यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। वाओ, और इंस्टेंट बेल बन करके हमारी रेडी हो चुकी है मैगी की। तो आप देख रहे हैं कितनी शानदार लग रही है दिखने में, और खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। चलिए मैं इसको बॉल में सर्व कर देती हूँ फटाक से। तो फ्रेंड्स, मैंने एकदम मैगी को सर्व कर दिया है बॉल में, और आप देख रहे हैं कितनी शानदार लग रही है मैगी बेल। जितनी ये दिखने में शानदार है, उतनी ज्यादा खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके से कोई भी रेसिपी आए तो वो आप तक जरूर पहुंच पाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।